अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन तरीका सीखें, वो बेहतरीन तरीका जिससे आपकी लाइफ बेहतरीन सेट होगी, वो बेहतरीन तरीका जिससे आप दुनिया की हर चीज को अचीव कर सकते हैं, और वो बेहतरीन तरीका जो नेचर ने हमें सिखाया है कि ऐसे होना चाहिए। इससे पहले कि हम अपना ये छोटा सा लेक्चर स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक बेहतरीन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक रिसर्च है। आपने देखा होगा चाइनीज, जापानीज और ये जर्द फॉर्म लोग जो हैं, और उसके अलावा इनको फॉलो करते हुए ये अंग्रेजों ने भी इस चीज को फॉलो किया है कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो याद रखें आपके पास कुछ नहीं है, ना एक्सपीरियंस है, ना स्पीच है, ना बोलने की ताकत है, ना आपके पास वो वर्ड्स हैं, ना आपके पास इल्म है, फिर भी अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं इन सब के बावजूद, तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अगर आप स्माइलिंग फेस से रहेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप हर टाइम स्माइलिंग फेस में रह सकते हैं, हर टाइम हंस खेल सकते हैं। एक स्माइलिंग फेस के जरिए आप बेहतरीन हेल्थ हासिल करते हैं, क्योंकि स्माइल एक सदका जारिया है। जब आप स्माइल करते हैं, आपको देखने वाला शख्स भी खुश हो जाता है। इसलिए ऑलवेज कीप स्माइल। आप स्माइल करेंगे, आपको हेल्थ मिलेगी, आपके दोस्तों को हेल्थ मिलेगी, और आप गुड लुकिंग लगते हैं यार, आपको हेल्थ मिलेगी, उसके अलावा गुड लुकिंग होंगे, उसके अलावा तस्वीर अच्छी आएगी। आप जब कहते हैं तस्वीर, तो वो आपने कभी देखा है उसको, तस्वीर खींचने वाला कहता है स्माइल सर। तस्वीर अच्छी लाने के लिए, आपका पोस्चर, आपकी लुक जो अच्छी होने के लिए, आपका स्माइल करना जरूरी है, आपके फेस पे स्माइल जरूरी है। इसका फायदा क्या है, आम लाइफ में इसको कैसे देखते हैं और कैसे ऑब्जर्व करते हैं? आपने कभी देखा है कि फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ शख्स, मेल हो फीमेल हो, वो क्या करता है? व्हेनेवर एनीवन कम्स, वो क्या करता है? यस सर, मे आई हेल्प यू? स्माइलिंग फेस के साथ कहता है, कुछ मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसके बाद आप कोई टेलीफोनिस्ट उठा के देख लें, हम अपनी लोकल लाइफ में देख रहे हैं, तो टेलीफोनिस्ट भी यही करता है स्माइलिंग फेस के साथ, यस सर मे आई हेल्प यू? आप याद रखें, आपने कोई भी फील्ड में जाना हो, कुछ भी एक्सप्रेस करना हो, कुछ भी डिलीवर करना हो, कुछ सर्विसेज देनी हो, तो उसके लिए आप स्माइलिंग फेस रखें। आपको प्रोडक्ट नॉलेज को स्माइलिंग फेस के साथ एक्सप्रेस करेंगे तो आपको और कामयाबी मिलेगी। आपने ऑब्जर्व किया है कि हम लोग जब कभी घर में किसी ने हंसना खेलना हो, किसी ने मुस्कुराना हो, एक सीरियस माहौल बन जाए घर में, तो दो तीन चुटकुले छोड़े फौरन से हम देखेंगे हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, हर किसी के। आप क्लास में जब लेक्चर में बोर हो रहे होते हैं, ऑब्जर्व किया कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में हमारे टीचर्स जो थे क्या करते थे, व्हेन एवर बोरिंग सिचुएशन आई, वो एक जबरदस्त सा एक सिचुएशन क्रिएट करते थे, कोई वाकया बताते थे, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट होकर जबरदस्त स्माइलिंग आ जाती थी, लोगों की बोरियत खत्म होनी, टीचर ने फौरन ही दोबारा अपने पॉइंट के ऊपर स्टडी स्टार्ट कर देनी। तो द थिंग्स आर वेरी सिंपल, कि अगर आप अपनी जिंदगी में हर वक्त स्माइलिंग फेस रखेंगे, तो ये आपको हेल्थ भी देगा और वेल्थ भी देगा। आप अगर अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो याद रखें ऑलवेज कीप स्माइल। ओके दोस्तों, अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दें, स्टे ट्यून्ड विद मी।